महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों कुमाऊं दौरे पर हैं। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद वह पहली बार हल्द्वानी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हल्द्वानी पहुंचे राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया, उसी की बदौलत उन्हें आज महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला है। महाराष्ट्र की जो अच्छाइयां हैं उन्हें उत्तराखंड लाने और उत्तराखंड के टूरिज्म में महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ आमंत्रित करने का उनको सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग उत्तराखंड आकर पर्यटन विकास को बढ़ावा देंगे। महाराष्ट्र के लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें अपार प्रेम दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ के जनता के प्रेम के कारण से, स्नेह के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुझे महाराष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो अच्छाइयाँ हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उन अच्छाइयों को उत्तराखंड में लाऊं। और उत्तराखंड जो हमारा टूरिज्म का हब है, जो हमारा देवस्थान कहलाता है, यहाँ महाराष्ट्र से अधिक लोग आए और यहाँ धार्मिक उसमें यात्रा में और टूरिज्म में अधिक से अधिक लोग आए, इस दिशा में मैं हमेशा प्रयास करता हूँ।